हेलो एवरीवन दिस इज सविता चौहान वेलकम टू अम्बेडियारिया मॉडल स्कूल क्लास टेंथ सिविक चैप्टर टू फेडरलिज्म प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हमने पढ़ा था हाउ फेडरल हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री उसे हमने थ्री पार्ट्स में फिनिश किया था कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स और लैंग्वेज पॉलिसी एंड सेंट्रल स्टेट रिलेशन इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस uh, करेंगे व्हाट इज़ द डिसेंट्रलाइजेशन जिस तरीके से सेंट्रलाइज्ड मींस होता है कि सेंटर के पास जिस तरीके से पावर um, है और स्टेट्स uh, सारे के सारे मिलकर एक सेंट्रलाइज बनाते हैं एक यूनिटी में आते हैं अपनी पावर को बाइंड करते हैं तो सेंट्रलाइज होता है इसी तरीके से यानी नीचे से ऊपर की साइड आना ठीक है नीचे जब स्टेट्स जो होते हैं जैसे हमने यूएसए में देखा था कि किस तरीके से सारे स्टेट्स मिलकर एक सेंट्रलाइज़ यूनिट बनाते हैं और अपने आप को बाइंड करके रखते हैं अपनी पावर को तो इसी तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन होता है यानी अपनी पावर को बांटना डायल्यूट करना नीचे की तरफ़ यानी सेंट्रल और स्टेट जब अपनी पावर लोकल

वैल्यूट कर रहे हैं तो वो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन होता है अब इंडिया में हम पढ़ेंगे वी नोटेड अबव द फेडरल गवर्नमेंट हैव टू और मोर टियर्स ऑफ गवर्नमेंट्स हमने नोट करा कि फेडरल गवर्नमेंट में दो या दो से अधिक स्तर की गवर्नमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वी हैव सो फार डिस्कस टू टीय्स ऑफ गॉर्नमेंट्स इन अवर कंट्री हमने डिस्कस करा सेंट्रल स्टेट के बारे में दो जो टू टीयर ऑफ गवर्नमेंट है बट अ वास्ट कंट्री लाइक अ इंडिया कैन नॉट बी रन ऑनली थ्रो दीज टू टीयर्स लेकिन अगर जितना बड़ा हमारा वास्ट कंट्री है जितनी बड़ी हमारी कंट्री है क्या केवल ये दो uh, जो टीयर्स गवर्नमेंट है सेंट्रल स्टेट के इसको हैंडल कर सकते हैं स्टेट्स इज इन इंडिया आर एज अ लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ़ यूरोप यूरोप की जितनी भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं अगर हम एक ही कंट्री की भी बात करें तो भी हमारे स्टेट उन उनसे बड़े ही है एक सिंगल स्टेट भी उनकी कंट्री से बड़ा होगा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन में अगर हम देखें तो भी एंड लाइक like उत्तर प्रदेश इज अ बिगर देन रशिया तो अगर हम अपने यूपी की बात करें तो उसकी रसिया से वो बड़ा है पापुलेशन में एंड महाराष्ट्र इज़ अबाउट एज अ बिग जर्मनी और जितना आ, जर्मनी से बड़ा है महाराष्ट्र मैनी ऑफ दीज स्टेट आर इंटरनली वेरी डाइवर्स और इंटरनली भी हमारे स्टेट्स में बहुत ज़्यादा डाइवर्सी देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा अलग अलग विभिन्नता देखने को मिलती है देर इज़ अ दस नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दिस स्टेट्स इसीलिए ज़रूरत है, है कि पावर शेयरिंग स्टेट के साथ की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर शेयर करती है स्टेट्स के साथ फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टीयर ऑफ़ गवर्नमेंट फ़ेडरल पावर के अंदर जो शेयर होता है इंडिया के अंदर उसको ज़रूरत है कि और भी ज़्यादा टीयर ऑफ़ गवर्नमेंट यानी अनदर गवर्नमेंट के साथ भी शेयर की जा सके बिलो दैट ऑफ द स्टेट्स गवर्नमेंट्स स्टेट गवर्नमेंट के नीचे की जो गवर्नमेंट होती है वो टीयर गवर्नमेंट यानी लोकल गवर्नमेंट होती है एंड दिस इज़ द रिलेशनल रैशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ़ पावर ये एक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ही है जब स्टेट और सेंटर अपनी पावर टीयर गवर्नमेंट को देते हैं दस रिजल्टेड अ थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट कॉल लोकल गवर्नमेंट और तीसरी गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं लोकल गवर्नमेंट कहते हैं स्थानीय सरकार कहते हैं यानी जो कि जैसे कि म्यूनसिपल है अर्बन में और म्यूनसिपैलिटीज़ हैं नगर पालिकाएँ हैं और अगर हम रूरल की बात करें गांव में तो पंचायती राज है तो ये लोकल बॉडीज़ में आती हैं लोकल गवर्नमेंट कहलाती हैं व्हेन पावर इज़ टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन इज़ अ लोकल गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड द डिसेंट्रलाइजेशन इसको अंडरलाइन कर लीजिए डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब सेंटर और स्टेट से क्या ले ली जाती हैं उनकी पावर लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती हैं तो वो डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है यानी डायलूट हो रही हैं पावर दिस बेसिक आइडिया बिहाइंडिस दैट देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम एंड ईशूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल इस आइडिया के पीछे डिसेंट्रलाइजेशन के जो आइडिया है इसके पीछे एक रीजन है बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो इशूज होते हैं वो लोकल लेवल पर ही गवर्नमेंट उसको सॉल्व कर सकती है भाई ठीक है जो अभी तक स्टेट गवर्नमेंट थी सेंट्रल गवर्नमेंट थी लेकिन मेन यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि हमें लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है तो सीधी सी बात है क्योंकि जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो जो आसपास के जो लोग होते हैं उनके पास कनेक्ट होती है तो उनकी प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छी तरीके से जानती है सेंट्रल और स्टेट के मुकाबले में ज़्यादा क्लोज होती है तो वो ईज़िली समझ सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि हमारे एरिया में रोड चाहिए या फिर पानी चाहिए क्योंकि अगर सेंट्रल स्टेट अगर स्कीम बनाती है तो वो ये सोच के बनाएंगे कि सभी डिस्ट्रिक्ट में अगर वो बना रहे हैं कि चलो ठीक है पा, हमें पानी सप्लाई की प्रॉब्लम को दूर करना है तो वो अपने लेवल पर सोचेंगे कि हाँ हमें सब जगह पानी सप्लाई करना है लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो ये लोकल गवर्नमेंट होती है इनको अच्छी तरीके से पता है कि किस एरिया में पानी की ज़रूरत है और किस में नहीं है क्योंकि उससे क्या होगा कि जो सेंटर है उसको इन्वेस्टमेंट करने में इजी होगा कहाँ पे ज्यादा करना है कहाँ पे कम करना है तो वो एक कोऑर्डिनेट का काम होता है कि लोगों की जो समस्याएं हैं और वहाँ पे कितनी जरूरत है कितनी नीड है उस चीज को कराना और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना तो ज़्यादा इजी हो जाता है उससे टाइम और इन्वेस्टमेंट दोनों सेव होते हैं तो इसीलिए इस चीज़ की ज़रूरत है नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स है और, और इश्यूज़ जो होते हैं वो बेटर जानती है लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज़ और इन प्रॉब्लम के बारे में ये जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं अच्छी तरीके से जानती है क्योंकि उनके पास ये रहने रहती है बिल्कुल पास में ही हर एरिया में डिस्ट्रिक्ट में ये जो लोकल बॉडीज़ होती हैं लोकल बॉडीज गवर्नमेंट्स होती हैं अपने एरिया में कनेक्ट होती हैं उन लोगों से दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स वर इफिशेंटली और अच्छी तरीके से वो आइडिया दे सकते हैं कि मनी कितना खर्च करना है कैसे मैनेज करना है बिसाइड एट लोकल लेवल इट इज़ अ पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग और इससे सीधा सीधा क्या होता है जो लोग होते हैं वो इस डिसीजन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट ले सकते हैं क्योंकि अपनी समस्याओं की अपने एरिया की समस्याओं को लोग अपने एरिया के जो मंत्री होते हैं या गांव में जैसे आप देखेंगे जो पंचायत होती है वहाँ के जो लोकली लोग होते हैं जो पंचायत में होते हैं तो वहाँ के लोगों को समस्या लोग जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से बता सकते हैं और सीधे सीधे यहाँ लोगों का पार्टिसिपेट हो रहा है कि वो एक पॉसिबिलिटी हो रही है कि डायरेक्टली डिसीज़न लेने में पार्टिसिपेट हो रहा है लोगों का दिस हेल्प टू इन इन इनकेलकुलेट इन This helped to inculcate a habit of democratic participation. इनकलकेट मीन्स जब हम बार बार किसी चीज़ को याद दिलाते हैं ताकि दोहराते रहते हैं तो ये एक डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की हेल्प होती है धीरे धीरे क्योंकि भाई डायरेक्ट लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक हैबिट हो जाती है जैसे कि अपने लोकल गवर्नमेंट जो होती है उसको जो लोग होते हैं बार बार समझाते हैं कि हमारी ये समस्या है हमारी ये समस्या है तो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन के लिए ये एक सीधी सीधी हेल्प हो जाती है लोगों की लोकल गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट वे टू रियलाइज़ज़ वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और जो लोकल गवर्नमेंट है वो बेस्ट ऑप्शन है रियलाइज़ कराने का इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी का कि जो नेमली uh, लोकल है वो सेल्फ गवर्नमेंट है तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं किस तरीके से लोकल गवर्नमेंट के एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और किस तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड uh, uh, करने की ज़रूरत है तो हमने फ़र्स्ट में जो मीनिंग पढ़ा डिसेंट्रलाइजेशन उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि हमें डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है ठीक है तो इसके अंदर द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वॉज रिकोगनाइज इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डिसेंट्रलाइजेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिकॉग्नाइज्ड है कि ये करना है सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल टू डिसेंट्रलाइज पावर टू द लेवल ऑफ विलेज एंड टाउन्स और uh, अगर हम देखें बहुत सारे ऐसे डिसेंट्रलाइजेशन पावर लेवल हैं विलेज में भी और टाउन्स में लाइक पंचायत पंचायत इन पंचायत इन विलेज़स एंड म्यूनसिपैलिटीज़ इन अर्बन एरियाज आर सेटअप इन ऑल द स्टेट्स अगर सभी स्टेट्स में आप देखेंगे तो विलेज आ, आ, में और ये जो अरब रूरल एरिया में विलेजेस हैं वहाँ पे पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज़ अरबन एरियाज़ में हैं तो ये एक लोकल बॉडीज़ हैं लोकल गवर्नमेंट्स हैं जो कि हर आपको स्टेट्स में मिलेंगी बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स लेकिन पहले क्या था कि स्टेट गवर्नमेंट्स इनको डायरेक्टली कंट्रोल करती थी एंड इलेक्शंस टू द दीज लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलरली और पहले इलेक्शन भी रेगुलरली नहीं होते थे कभी हुए कभी नहीं हुए कभी दो साल में कर दिए पहले की बात है ये एंड लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर्स टू रिसोर्स ऑफ दियर ऑन लोकल गवर्नमेंट के पास खुद के पास कोई रिसोर्स नहीं होते थे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दस देयर वॉज वेरी लिटल डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता था पहले और ना ही वो इफेक्टिव में था और ना ही उसका इतना अच्छा बेटर रिजल्ट निकलता था लेकिन अ मेजर स्टेप टू डिसेंट्रलाइजेशन वॉज टेकन इन टू लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए एक मेजर स्टेप उठाया गया नाइनटीन टू में एंड कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशनडेड टू मेक द थर्ड इयर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडिड किया गया चेंज किया गया थर्ड टीयर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव जिससे कि डेमोक्रेसी में थर्ड ईयर गवर्नमेंट अच्छे से ज़्यादा से पावरफुल और इफ़ेक्टिव बन सके तो ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी हम तीसरा इसी के अंदर जो है डिस्कस uh, कर रहे हैं पॉइंट जैसे कि फर्स्ट हमने पढ़ा डिसेंट्रलाइजेशन क्या है उसके बाद हमने देखा कि उसकी ज़रूरत क्या है तीसरा भी हम देख रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन में अब जो चेंजेस आए हैं नाइनटीन के बाद क्या है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन है ये आ, पेपर में आता है तो किस तरीके से आपको पॉइंट लिखने है? एक एक करके वो आपको इसमें लिखना है 1992 में क्या चेंज हुआ फर्स्ट नाउ इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलरली इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज यानी अब क्या है रेगुलर इलेक्शन करना uh, कर दिया है कंपलसरी के इलेक्शन होंगे ही होंगे जिससे क्या होता है कि जो लोग होते हैं रेगुलर इलेक्शन से ये फायदा कि अकाउंट कर सकती है अपनी गवर्नमेंट को लोकल गवर्नमेंट को और उनकी जिम्मेदारी बन जाती है लोकल गवर्नमेंट की कि हाँ वो जिम्मेदार हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तो एक रेगुलर इलेक्शन होने से एक कॉन्स्टिटेंसली बनी रहती है कंस्टिटेंसली बनी रहती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड सीट्स इन इलेक्टेड बॉडीज एंड द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन फॉर द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेज अब इन इलेक्शन में जो लोकल गट्स हैं उसके अंदर इलेक्टेड बॉडीज के लिए हेड्स uh, हैं इलेक्टेड बॉडी और uh, में और एग्जिक्यूटिव हेड्स के लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ के लिए शेड्यूल कास्ट में से यानी एस सी और जो ये ओबीसी हैं इनकी लिए भी सीड रिज़र्व हैं कि ये भी उसमें पार्टिसिपेट ले सकते हैं और पार्टिसिपेट uh, लेने से इनके डायरेक्टली क्या होता है बहुत हेल्प होती है क्योंकि बैकवर्ड से भी जो हैं uh, अगर लोग आते हैं तो वो उनकी अपने लोगों की समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं एटलीस्ट वन थर्ड ऑफ ऑल पोजिशंस आर रिजर्व रिजर्व फॉर वूमेन्स वूमेन के लिए भी रिजर्व कर रखी हैं सीट्स के इलेक्शन के अंदर इतनी से वो जो वुमेंस हैं उनको पार्टिसिपेट लेना है एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शंस यानी जो स्वतंत्रता के बाद से आप देखेंगे तो स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया और सॉरी uh, जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस है जिसको कहा जाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन ये क्रिएट किया गया स्टेट ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शन ताकि ये हर स्टेट में अपने पंचायत और म्यूनसिपल इलेक्शन करा <laughs> इलेक्शंस करा सके और फ्री एंड फेयर मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल फ्री रखा गया है ये ये किसी के कंट्रोल में नहीं आता किसी के भी ना सेंटर ना स्टेट के ये अपने फ्री होके इलेक्शन करा सकता है ये एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है इलेक्शन कराने का रोल इलेक्शन कमीशन का है एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रिवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वायर कर रखा है कि वो कुछ शेयर अपनी जो पावर का है अपना जो रिवेन्यू है लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगा अब ये डिपेंड करता है वरीज भी हो सकता है क्योंकि हर स्टेट टू स्टेट में चाहे वो किसी स्टेट को ज़्यादा ज़रूरत है किसी स्टेट को कम है तो ये अकॉर्डिंगली वो अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कि ले ए, कितना किसको कितनी पावर शेयर करनी है या फिर अपनी रिवेन्यू देना है लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट को शेयर करनी है अपनी पावर्स और अपना रिवेन्यू और ये अभी हमने जो भी स्टूडेंट पढ़ा है 1992 के बाद जो अबेंडेंड हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज हुए हैं वो चीज़ हमने पढ़ा है डिसेंट्रलाइजेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इंडिया के अंदर तो आज का जो टॉपिक था हमारा डिसेंट्रलाइजेशन उसका हम पार्ट वन है पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे पंचायती राज और मिनसिपल जो है इन दोनों का जो रोल है और किस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन इनमें किया जाता है और इनके क्या फंक्शन है वो हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे